दोस्तों टेक्निकल प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है और मैं आज आपके स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में कुछ टिप्स आपको देने वाला हूँ। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को बारीकी से ख्याल रखा है, ऐसे में हो सकता है कि जो टिप्स को आप फॉलो करें उसके बाद में आपको जो असर देखने को मिले वो इतना ज़्यादा ना मिले, लेकिन ये बात सच है कि दोस्तों आपको आगे चल के ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतर बैटरी लाइफ मिलेगी अगर आप इन सभी टिप्स को फॉलो करते हो। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं आपके डिस्प्ले की। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बात बताना चाहता हूँ कि जो आपके फ़ोन की बैटरी है उसको अगर सबसे ज़्यादा कोई कंज्यूम करता है तो वो है आपके फ़ोन की डिस्प्ले। यहाँ पे दोस्तों डिस्प्ले चमकता रहता है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बैटरी को कंज्यूम करता है। तो दोस्तों यहाँ पे टिप ये है कि आप ऑटो ब्राइटनेस को यूज़ ना करते हुए मैनुअल ब्राइटनेस से ब्राइटनेस एडजस्ट कीजिए। बहुत बार दोस्तों ये होता है कि ऑटो ब्राइटनेस से हमको कन्वीनियंस मिल जाती है कि जब हम अंधेरे में जाए तो स्क्रीन डार्क हो गया है, जब बाहर धूप में निकले तो अपने आप बहुत ब्राइट हो गया है। लेकिन अक्सर दोस्तों जो ब्राइटनेस लेवल होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी बार ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। तो दोस्तों अगर आप ऑटो ब्राइटनेस को बंद करेंगे और मैन्युअली ब्राइटनेस को एडजस्ट करेंगे आपके ज़रूरत के हिसाब से, आपको जितना ब्राइटनेस चाहिए उतने, तो आपको उससे मिलेगी थोड़ी सी बेहतर बैटरी लाइफ। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम बात करते हैं आपके फ़ोन में रेडियस की। तो दोस्तों फ़ोन जो है वो एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। तो यहाँ पे दोस्तों वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया या फिर NFC वगैरह, आपको दोस्तों बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो ऐसे में ऑल्दो आज की डेट में चीज़ें बहुत पावर एफिशिएंट हो गई है, लेकिन फिर भी अगर आप इनको काम में ना आने से अगर आप इसको कर देते हैं बंद तो उससे भी आपको कुछ बेहतर बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों अगर आपको कुछ बैटरी बढ़ानी है तो ज़रूरत ना पड़ने पे वाईफाई, ब्लूटूथ है, NFC वगैरह, आप इनको बंद कीजिए ताकि आपको थोड़ी सी और बेहतर बैटरी लाइफ मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं जो बैकग्राउंड में ऐप्स चल रही है। अगर दोस्तों मान लीजिए कोई ऐसी ऐप्स जो आपको लगता है कि अभी आप उसको यूज़ नहीं करने वाले हैं 2-3 दिनों तक, या आप रियली किसी ऐप्स को यूज़ करते हैं, तो जब आपका काम ख़त्म हो जाए अगर आप दोस्तों उन ऐप्स को किल कर दे रिसेंट एक्टिविटी से तो कुछ आपको अच्छा असर देखने को मिलेगा। हाँ अगर आप दोस्तों मान लीजिए 1 घंटे के लिए आप अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर आपको व्हाट्सएप भी चाहिए, ट्विटर भी चाहिए, यूट्यूब भी चाहिए, 2-3 काम और चाहिए, तो अगर आप हर बार यूज़ करते करते उन ऐप्स को किल करेंगे तो वो सही नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी ऐप्स जो आपको मालूम है कि अभी आप उसको यूज़ नहीं करने वाले तो अगर आप उसको किल करेंगे तो भी आपको कुछ बेटर बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं इसके बाद में आपके डिस्प्ले की। भाई आपको दोस्तों मिलते हैं काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन कि आपने लगा लिया लाइव वॉलपेपर, या मान लीजिए आपने लगा रखा है तरह तरह का विजेट वगैरह, अपने जो अपने होम स्क्रीन है वो काफ़ी फैला रखा है। ऐसे में अगर आप उनको दोस्तों सिंपल रखेंगे तो वो सबसे सही रहेगा। लाइव वॉलपेपर से बैटरी बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम होती है, ऐसे में दोस्तों जो विजेट्स होते हैं कई बार बहुत बैटरी कंज्यूम करते हैं। तो दोस्तों सोच समझ के अपने हिसाब से जितना आपके लिए नेसेसरी है बस उतना ही रखिए अपने होम स्क्रीन को, ज़्यादा अगर आप भर देंगे उसको तो वहाँ पे भी आपकी बैटरी कंज्यूम हो जाती है। और कई बार तो चीज़ें ऐसी होती है, परी होती है, उनको हम एक्चुअली में काम में नहीं ले रहे होते। तो दोस्तों अगर आपका कोई चीज़ें ज़रूरत नहीं है तो उसको वहाँ से निकाल दीजिए, आपको थोड़ी बेहतर बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं नोटिफिकेशंस की। तो दिन भर हमने बहुत सारी नोटिफिकेशन मिलती रहती है, सभी हमारे काम की नहीं होती। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए उन ऐप्स को जो आपको ज़रूरी नहीं लगती है उनके नोटिफिकेशंस को बंद कर दीजिए। बिकॉज दोस्तों होता ये है कि मान लीजिए अगर आपका फ़ोन सामने सिंपल पड़ा हुआ है अगर उसमें कोई नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले तो स्पीकर बजेगा, आपका स्क्रीन की लाइट ऑन हो जाएगी 2-3-4 सेकंड के लिए, या फिर नोटिफिकेशन लाइट वगैरह जलेगी। तो ऐसे में दोस्तों जो फ़ोन की प्रोसेसिंग पावर है दोस्तों वो भी यूज़ होगी। तो दोस्तों ऐसे में कई बार जो नोटिफिकेशन होती है वो हमारे काम की नहीं होती। तो दोस्तों जो ऐप्स आपको लगता है कि आपके लिए ज़रूरी है उसके अलावा जो बाकी ऐसे रैंडम ऐप्स है उसकी नोटिफिकेशन को बंद कर दीजिए, इससे भी आपको आपके फ़ोन की बैटरी लाइफ में बचाने में थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जाके देखिए सेटिंग्स में कि कौन सी ऐप, कौन सी गेम्स, क्या चीज़ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह की जो ज़्यादा बैटरी कंज्यूम कर रही है और क्या उसको वाकई उतनी बैटरी कंज्यूम करनी चाहिए। दोस्तों आप ये मान लो कि ऐसा गेम है जो आपने ज़्यादा खेला नहीं है लेकिन वहाँ पे लिस्ट में आपको दिखता है सेटिंग्स में जाने के बाद बैटरी यूजेज में उसका नंबर काफ़ी ऊपर आता है, तो दोस्तों आपको ये देखना पड़ेगा कि कई ऐसी एप्लीकेशन तो नहीं है जो कहीं पे बगी है, जो वो आपके फ़ोन में बैकग्राउंड में अपने आप चल रही है, या जो ऐप्स बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम कर रही है। तो उसके बाद आप
उन ऐप्स को डिलीट कर सकते हैं या फिर अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपकी अपडेट्स की, तो ऐसे में चाहे आपके फ़ोन की सॉफ्टवेयर अपडेट हो, चाहे आपकी ऐप्स की अपडेट हो, आप दोस्तों रखिए अपने फ़ोन और ऐप्स को टाइम टू टाइम अपडेट्स, क्योंकि इससे आप जो बेहतर बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट कर पाते हैं। दोस्तों बहुत बार फोन्स में बहुत सारी बग्स होती है, उनको भी बराबर फिक्स किया जाता है अपडेट्स के मदद से। तो यहाँ पर दोस्तों अपने ऐप्स को या फिर अपने फोन्स के सॉफ्टवेयर को जितना हो सके लेटेस्ट वर्जन पे रखिए, वो आपके लिए बेहतर चीज़ हो जाएगी। तो दोस्तों आखिर में बात करते हैं ऐप्स की, जिनमें आपको तरह तरह की एड्स देखने को मिलती है। दोस्तों बहुत बार ऐसी गेम्स या ऐप्स होती है जिसमें आपको दोस्तों खोलते ही, अगर आपके पास में फ्री वर्जन है तो उसमें बहुत सारी एड्स आती है। तो अगर दोस्तों आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ ये ऐप्स आप जो है यूज़ कर रहे हैं और लंबे समय तक यूज़ करेंगे, तो आप उसका प्रीमियम वर्जन खरीद लें जिससे आपको एड्स देखने को नहीं मिलेगी। और अगर दोस्तों एड्स नहीं आएंगे तो आपकी बैटरी लाइफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, बिकॉज उन एड्स के लिए भी बैकग्राउंड में जो डाटा है उसको पुल आउट किया जाता है। उसके अलावा मान लीजिए कि आप कोई ऐप्स ओपन कर रहे हो, तो उसमें स्टार्टिंग में 15 सेकंड्स का एक ऐड आता है, तो उस टाइम आप फ़ोन का स्क्रीन ऑन रहेगा, आप कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। तो वह अगेन स्क्रीन को भी कंज्यूम कर रहा है, आपके प्रोसेसिंग पावर को भी कंज्यूम कर रहा है, जिससे आपकी बैटरी लाइफ में असर पड़ती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियोस में बताए गए टिप्स समझ में आ गए होंगे। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दे एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे फॉर मोर ऑसम कंटेंट।